साबिक फौजियों के मुख्तलिफ मसाइल को उजागर करने, उनके मुतालबात की यकसुई की जद्दोजहद में ताउन करने में एमसीएन उर्दू न्यूज़ की खिदमात का भी एतराफ़ किया गया। साबिक फौजियों की नुमाइंदा तंजीम की जानिब से एमसीएन के नुमाइंदों को तहनीत पेश की गई। शासकीय पुनर्नियुक्त माजी सैनिक संगठना महाराष्ट्र साबिक फौजियों की नुमाइंदा तंजीम है, जो साबिक फौजियों और उनके अहल खाना की फलाह व बहबूद के लिए रियासत भर में सरगर्म अमल है। तंजीम की जानिब से साबिक फौजियों के मुख्तलिफ मसाइल को हल करने, मुख्तलिफ मुतालबात की यकसुई करने के लिए वक्तन फवक्तन एहतजाजी तहरीकात चलाई जाती है। इसी के साथ साथ संगठना की तरफ से मुख्तलिफ मौकों पर सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाते हैं। इन तमाम मामलों में एमसीएन न्यूज़ ने हमेशा साबिक फौजियों का साथ दिया। एमसीएन न्यूज़ की इन्हीं खिदमात का एतराफ़ करते हुए संगठना के डिविजनल कन्वेंशन में एमसीएन न्यूज़ के नुमाइंदों फेरोज खान और अब्दुल रहमान को तहनीत पेश की गई। कन्वेंशन में संगठना के आला अहदेदारान ने शालपोशी व गुलपोशी करते हुए पूरी एमसीएन न्यूज़ चैनल की टीम का शुक्रिया अदा किया। आज मैं एमसीएन न्यूज़ चैनल का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं यहां एक अर्ज करना चाहूंगा कि आपका न्यूज़ का इम्पैक्ट कितना होता है, इसका एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा। मैं 2 महीने पहले आपने लोहा गांव के जामगा एक छोटे से विलेज में एक वीर नारी कलावती भाई बोड़के, श्रीमती कलावती भाई बोड़के, इनका घरकुल का अनुदान प्रलंबित हुआ था। ये न्यूज़ आपने जैसे प्रसारित की तो हमारे विभाग ने, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ने, वो तुरंत ही इसकी दखल ली और हमने, हमारे जो संचालक है कर्नल सुहास जतकर साहब, इनको इंटीमेट किया कि ये अनुदान इनको तुरंत मिलना चाहिए। तो उन्होंने जो भी खामियां थी वो पूरा निगलेक्ट करते हुए उनको 1.5 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया, जो हमने अभी अभी वितरित किया है। इसलिए मैं एमसीएन न्यूज़ चैनल का बहुत आभारी हूं और आपके न्यूज़ से जो इम्पैक्ट होते हैं वो बहुत ही अच्छा है और फलदायक होते हैं।